ये रिश्ता क्या कहलाता है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप सर, हमारे पास सारी परमिशन थी, यहाँ पे कुछ भी इल्लीगल नहीं है। आप बस मुझे 2 घंटे दे दीजिए, मैं आपको सब प्रूफ दे दूंगी। प्लीज सर, बढ़ो आगे, बढ़ो बढ़ो चलो। मैडम हट जाओ, ब्रेक जाम हो गया है। अरे मैडम क्या कर रही है, हट जाइए। मैडम ब्रेक जाम हो गया, समझिए बात को, हटिए सामने से। हटूंगी मैं, हट जाइए। नहीं हटती हूँ मैं तुम जैसे लोगों से। कब बताओ जोगर, मेरी अकेडमी को कोई भी नुकसान पहुंचाए तो मेरी मम्मा का सपना है, ऐसे कुछ नहीं होने दूंगी। मैडम ब्रेक जाम हो गया, समझिए बात को, हटिए सामने से। तो आ गई होगी ना नायरा, यहाँ भी नहीं। पता नहीं माँ जी, कार्तिक तो अभी तक अंदर आया नहीं। मैं जाके देख के आऊँ,
इस तरह चलते कार्यक्रम में घर के लोग उठ उठ के बाहर जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? पागल हो गई हो तुम? एकेडमी की स्मारक को बचाने के लिए अपनी जान देने चली थी? तुम समझ नहीं रहे हो, अगर मैं नहीं रुकती तो वो हमारे एकेडमी की स्मारक जब अम्मा की मोटर लगे वो तुमने देखा ना, आयरा एकेडमी की स्मारक को कुछ हो जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाती, और तुम्हें कुछ हो जाता तो कुछ नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कहना चाहती हो तुम? वाह, तुम्हारी समझदारी को दाद देता हूं, अवार्ड देता हूं तुम्हें इसके लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता नायरा, अगर तुम दब के मर जाती, अपाहिज हो जाती, तो सब लोग कितने खुश होते, तुम्हारी माँ कितनी खुश होती, शांति मिलती उन्हें, और तुमसे जुड़े हुए बाकी लोग उन्हें कितनी खुशी होती नायरा, और मुझे तो बहुत प्राउड फील होता तुम पे, तुम्हारी अकल पे, तुम्हारी बहादुरी पे। दिमाग है तुम्हारे पास या नहीं है? अगर जो मैंने किया वो गलत था, तुम ही मुझे बताओ ना सही क्या है। तुम मुझे बताओ, मैं वहां जाकर अनाउंसमेंट करवा दी थी, पैनिक मत ज्यादा करते, भगदड़ मच जाती, लोग मर जाते, यही चाहते हो क्या तुम? उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। तुम हमेशा वही करती हो जो तुम्हें सही लगता है, हमेशा वही करती हो। कल मैंने कहा था ना, लेटर आया है पढ़ लेते, नहीं सुना तुमने। बात किया, तुमसे कहा कि साउंड सिस्टम वाले से बात कर लेता हूं मैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे पापा और भाई बात कर लेंगे, तब भी नहीं सुना। और भी बहुत सारी चीजें जो मुझे कहनी थी, लेकिन तुम सुनती नहीं हो, सुनना समझना छोड़ दिया तुमने। आज भी बुलडोजर के सामने आकर खड़ी हो गई क्योंकि तुम्हें सही लगता है, हमेशा वही करती हो जो तुम्हें सही लगता है नायरा। पर एक बात सुन लो, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सही हमेशा सही ही हो, जरूरी नहीं है नायरा कि जो तुम कहो वही हो, ये भी जरूरी नहीं है। क्या हो रहा है जी? ये सरकारी लोग आए हैं इस जगह को तोड़ने के लिए, तो नायरा मैडम रोलर के आगे आके खड़ी हो गई, तो इस जगह को तोड़ने नहीं देंगी। वो तो अच्छा हुआ कि कार्तिक साहब समय पे आ गए और नायरा मैडम को बचा लिया, वरना मैडम रोलर के पहिए के नीचे होती। नायरा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? इस एकेडमी में कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, सब कुछ नियम और कानून से हुआ है, और ये हम साबित कर सकते हैं। और अगर साबित नहीं कर पाए तो फिर जो मन करे आप कीजिए। दक्ष, मैं इनके सीनियर्स को फोन करता हूं स्टे ऑर्डर के लिए, तुम जाकर सारे जरूरी पेपर्स इकट्ठा करो। जीजू, मैं भी चलूं आपके साथ। ये लीजिए, आपके सीनियर का मैसेज और पुलिस कमिश्नर का भी, उन्होंने हमें एक घंटे की परमिशन दी है सारे पेपर्स इकट्ठा करने के लिए। क्यों इतना परेशान हो रही हो प्रिंसेस? एकेडमी बनाते वक्त हमने कुछ गलत नहीं किया, एक रूल नहीं तोड़ा है, इसलिए इस एकेडमी का कोई एक ईंट भी नहीं तोड़ सकता। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है पापा, क्योंकि इसे ना कुछ सुनना है ना समझना है, बस दिमाग में जो फितूर आ जाए वो ही करना है। पता ना आपको क्या किया इसने? प्रिंसेस, इसके लिए तो मैं भी तुम्हें डांटना चाहता हूँ। बहादुरी और बेवकूफी में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है। अकादमी के स्मारक को बचाने के लिए तुम्हें अपने जान पे खेलने की जरूरत नहीं थी। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इसका सही तरीका ये होता कि तुम ये जिम्मेदारी हम में से किसी को दे देती और खुद वो जिम्मेदारी निभाती जो इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है। अंदर इतनी ऑडियंस है, शहर के जाने माने लोग हैं जो तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, उनके प्रति जो तुम्हारा फर्ज है वो निभाओ बेटा। नहीं पापा, मुझसे नहीं होगा, जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता
अब तक मेरा ध्यान और कहीं लगी गई है। उसके लिए हम हैं ना बेटा, और जरूरत पड़ी तो और भी कई लोग आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ तुम कर सकती हो। जाओ बेटा। कार्तिक बेटा प्लीज इसे अंदर ले जाओ। मैं जानता हूं कि अभी तुम नाराज हो, पर इस वक्त हमारी पर्सनल नाराजगी से ज्यादा बड़ा ये फंक्शन है। ये एक बार ठीक से हो जाए फिर हम दोनों मिलकर इसे डांटेंगे, बहुत डांटेंगे इसे।